चोपड़ा न्यूज यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, NEET 22 काउंसलिंग के लिए काफी स्टेट्स के फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ एक स्टेट का नोटिस आ चुका है और कुछ एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना अभी बाकी है। तो मैं ये एक कंसोलिडेट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन अभी होना बाकी है। तो ये सभी स्टेट का एक कंसोलिडेट वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसे आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले एनसीसी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनसीसी के रजिस्ट्रेशन आप सबको पता है 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और 17 अक्टूबर 22 तक इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद वाइस फिलिंग की जो डेट है वो 14 से 18 अक्टूबर 22 है और इसमें रिजल्ट आ जाएगा 21 अक्टूबर 22 को। ज्वाइनिंग डेट होगी इसकी 22 से लेकर 28 अक्टूबर 22 तक। इसी प्रकार से सेकंड राउंड का शेड्यूल 2 से 7 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन है और 3 से 8 तक चॉइस फिलिंग है। इसमें रिजल्ट 11 नवंबर 22 को आ जाएगा। ज्वाइनिंग डेट 12 से 18 अक्टूबर 22 रहेगी, सॉरी 12 से 18 नवंबर 22 रहेगी इसकी। अब बात करते हैं हम स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन की। तो राजस्थान स्टेट का नोटिस आ चुका है, इसके रजिस्ट्रेशन 13 अक्टूबर 22 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसका जो शेड्यूल है 11 अक्टूबर 22 को जारी हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के रजिस्ट्रेशन भी अभी जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। चंडीगढ़ स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, ये 7 से 13 अक्टूबर 22 तक रजिस्ट्रेशन है। स्टेट मेरिट लिस्ट 15 अक्टूबर को आ जाएगी और इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग है 27 अक्टूबर 22 को रहेगी। इसमें सेकेंड राउंड में जो रजिस्ट्रेशन इसका होता है वो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं, डायरेक्ट इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, वो 9 नवंबर 22 को होगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चंडीगढ़ के लिए। अब महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुए नहीं है, ये जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। आईपीयू के रजिस्ट्रेशन रीओपन हुए हैं, 10 से 17 अक्टूबर 22 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। 20 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। इसमें एमपी स्टेट का शेड्यूल आ चुका है, 12 से 20 अक्टूबर 22 तक इसके रजिस्ट्रेशन है। 21 को स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 28 अक्टूबर 22 को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। ज्वाइनिंग डेट इसकी रहेगी 29 से 4 नवंबर 22। तो ये एमपी स्टेट का शेड्यूल है। इसमें उड़ीसा स्टेट का भी शेड्यूल आ चुका है, इसका 30 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 10 अक्टूबर 22 है। इसमें 18 अक्टूबर को स्टेट मेरिट आ जाएगी और सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 22 से स्टार्ट होकर 10 अक्टूबर 22 को इसके रजिस्ट्रेशन है, सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन है इसमें। तो ये स्टेट्स के शेड्यूल है रजिस्ट्रेशन के। और नेक्स्ट स्टेट की बात करें हम, तो नेक्स्ट स्टेट में बात करते हैं पंजाब स्टेट की। तो पंजाब के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पंजाब स्टेट की रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 13 अक्टूबर 22 है लास्ट डेट। इसमें सेकंड राउंड की 7 से 13 अक्टूबर 22 रखी गई है इसमें। अब बात करते हैं जेएनके स्टेट की। तो जेएनके के 13 से 16 अक्टूबर 22 तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। जेएनके स्टेट के हिमाचल के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए नहीं है, ये जल्द ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। गुजरात स्टेट के ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर 22 है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप 15 अक्टूबर 22 तक हेल्प सेंटर पर करवा सकते हैं। इसमें इसके बाद में छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इनके अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए नहीं है, इनके जल्द ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। झारखंड स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 22 रहेगी और स्टेट मेरिट 17 अक्टूबर 22 को आ जाएगी। आसाम और कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुए नहीं है, ये भी जल्द ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। केरला स्टेट के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, ये 2 बार ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी। तमिलनाडु की डेट ओवर हो चुकी है, ये 6 अक्टूबर 22 को लास्ट डेट थी तमिलनाडु स्टेट के लिए।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए, इन दोनों स्टेट्स के पुडुचेरी के ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट की हम बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और इसमें सेकंड राउंड का रिजल्ट भी, इसमें ज्वाइनिंग डेट खत्म हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश पहले ही सारे अपने राउंड कंप्लीट कर लेता है। मणिपुर स्टेट की बात करें तो 8 अक्टूबर लास्ट डेट थी इसकी, और मेघालय स्टेट की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 22 है। मिजोरम के ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग की डेट 11 से 12 अक्टूबर 22 है। सिक्किम के रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो ये सभी स्टेट के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है और ये मैंने डिटेल एक जगह इसलिए दी है कि किसी भी स्टूडेंट का कोई रजिस्ट्रेशन छूट ना जाए। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर हमारी वेबसाइट है www.chopraeducation.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा स्टेट आईएएस वेटनरी सभी के लिए बुक है। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स वाइज फील कैसे सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी सब कुछ इसमें डिटेल दे रखी है। एक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, जैसे आप संपर्क करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।